वालेकुम सलाम जी सर। चले जी, आज जिसको हमने पढ़ना है वह गोल्डन आर्कोर। आर्कोर ट्रेड थ्योरी हमने आज डिस्कस कर ली है। बायोग्राफी का स्केच इसका हम पढ़ेंगे। गोल्डन आर्कोर वाज बोर्न in 1897 in Montezuma, Indiana, the son of the country doctor. अब गोल्डन आर्कोट जो थे 1897 में मोंटेजुमा इंडियाना में पैदा हुए। इनका जो ये थे एक उस मुल्क के जो एक डॉक्टर थे उनके बेटे थे, और ये भाइयों में चार इसके भाई थे और चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। He characterized his family life as a marked by trust and affection. इन्होंने स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? आप लोगों से नहीं सर, नहीं हो रही शो, नहीं हो रही सर। अब शो हो रही है? हमने गोल्डन आर्कोट का मतलब पढ़ना है। गोल्डन आर्कोट जो है 1897 में मोंटेजुमा इंडियाना में पैदा हुए, और इनके वालिद जो थे वो एक डॉक्टर थे। ये डॉक्टर के बेटे थे, इनके चार भाई थे जिनमें, और ये चारों भाइयों में से सबसे छोटे थे। और इन्होंने अपनी खानदानी दिलकी को इत्माद और प्यार की निशानदेही किया, यानी कि इनके खानदान वालों ने इसे बहुत इत्माद और प्यार के साथ पाला है। ये उनके अंदर एक खूबसूरत है। लॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग इंफिसाइज ऑन द वर्चू ऑफ हार्ड वर्क, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया सख्त मेहनत पर। आर्कोट वाज स्कॉलरली फ्रॉम एन अर्ली एज, ये शुरू से ही बहुत ज्यादा तलीम में जो था वो ज़हीन था, या बहुत ज्यादा ये जो था कम उम्र से ही इलम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था। ही वाज अ गुड विद द वर्ड्स बट पुअर एट स्पोर्ट, ये इल्मी लिहाज से तो बहुत अच्छा था लेकिन खेल कूद में ये अच्छा नहीं था। ही डिड नॉट गेट अलोंग वेरी वेल विश हिज पीयर, इसका अपने दोस्तों के साथ भी कोई सलूक इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। इन द शो ऑफ अटर कंटेम्प्ट, यानी कि आप ये कह रहे सरासर हकारत का शो था। और वन ऑफ हिज क्लासमेट, इवन के इसका एक जो क्लासमेट था, इवन सेड ऑफ द यंग स्कॉलर, ये इस नौजवान स्कॉलर के बारे में कहता था, दैट गाय स्वालोड अ डिक्शनरी, के इस बंदे ने डिक्शनरी खाई हुई है लगता है। Although academically he finished second in his high school class of 100 students, इसकी जो primary class थी उसमें 100 student था और उन सब में से ये दूसरे number पर आया था। Alport insisted that he was a good routine student, वो एक अच्छा तालिबे इल्म था, but definitely uninspired, लेकिन वो यकीनी तौर पे इतना ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं था अबाउट एनीथिंग बियॉन्ड द यूजुअल एडोलेसेंस कंसर्न, जो के एडोलेसेंस के कंसर्न से हट के जो होगी उन चीजों से वो इंस्पायर्ड नहीं था। फॉलोइंग हिज एल्डर ब्रदर, उसने अपने जो बड़े भाई को ही फॉलो किया, फ्लॉयड हु हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था। आर्कोट स्क्वीज्ड थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट एंड मैट्रिकुलेटेड देयर इन 1950। आर्कोट को चोरा गया, यानी कि आर्कोट को चेक किया गया मैट्रिक के और एंट्रेंस टेस्ट में 1915 में। द ईयर दैट हार्वर्ड वाज स्टिमुलेटिंग एंड इनलाइटनिंग अकॉर्डिंग टू द आर्कोट, इस साल जो हार्वर्ड के अंदर यानी कि इसका था 1915 में दाखिले
यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसने दाखिल लेना था, उसके लिए इससे जो एंट्री टेस्ट वगैरह लिए गए और उस टेस्टों में से गुजारा गया इसको, और आरकोटम ताबक हार्वर्ड में जो इसने साल लगाया वो बहुत मोहरिक और ख्याली रोशन ख्याली थे। फॉलोइंग द ईयर ऑफ हार्वर्ड वाज स्टिमुलेटिंग एंड इनलाइटनिंग, यस के रोशन ख्याली और मोहरिक थे। अकॉर्डिंग टू द आरकोट, आरकोट का ये कहना था ही वाज ओवरवेल्मड बाय द इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, और कि जो हार्वर्ड का ये कहना इसमें इसका ये मानना था कि फिक्री मोहर और आला इल्मी मियार पर सख्ती से अमल पैरा होकर मगलूब हुआ, यानी कि जो वहाँ का माहौल था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, उस माहौल के अंदर इसने अपने आप को निखारा, अपनी जहानत का सबूत दिया। इट वॉज आ रियल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग फॉर स्मार्ट ऑन बॉय, ये सच में जहनी तौर पर उसको जगाने के लिए एक बहुत बड़ी जो थी काविश थी उस लड़के के लिए जो कि एक स्मार्ट टोन मिड वेस्ट से ताल्लुक रखता था। आलकोट फॉलोड द एग्जांपल ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, उसने अपने भाई की ही मिसाल को कॉपी किया एंड मेजर्ड इन साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में उसने अपना यानी के तलीम हासिल की, उसको अपना जो मेजर सब्जेक्ट रखा। बिसाइड एनरोलिंग इन कोर्स टॉट बाय द प्रोमिनेंट साइकोलॉजी प्रोफेसर, उसने बहुत से जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे जो कि बहुत ज़्यादा उस वक्त मशहूर थे उनसे ये कोर्स पढ़ा ही। आल्सो प्रैक्टिस पार्टिसिपेटेड इन अ नंबर ऑफ वॉलंटियर सर्विसेज प्रोजेक्ट, इसके अलावा जो खुदकार तरीके से जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भी इसने अपनी बहुत सी शमूलियत इख्तियार करके अपनी खिदमात सर्फ की। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल नहीं आ रही, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है यार। After receiving his doctorate in 1999, Alcott took an opportunity to teach English and sociology at Robert College in Constantinople, Turkey. अब इसने क्या कहा कि जी जब इसने 1919 में इनकी डिग्री हासिल करने के बाद आलकोट ने कुस्तिनिया के रॉबर्ट कॉलेज में अंग्रेजी और अमराधियात की तलीम देने का मौका लिया। द फॉलोइंग ईयर ही वन अ फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट स्टडी एट हार्वर्ड, अब इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएट फेलोशिप की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएट फेलोशिप भी इसने हासिल की। सर बिफोर रिटर्निंग टू कैम्ब्रिज वापस लौटने से पहले However, he decided to visit a brother who was working in Vienna at that time. इसने अपने भाई से मिलने की ख्वाहिश को जाहिर किया जो कि वेना में इस वक्त जो काम कर रहा था। He also decided to see, उसने फैसला किया कि वो इसे मिलेगा। If he could arrange a private meeting with Sigmund Freud, ताकि वो एक private meeting इसके लिए hire कर सके Sigmund Freud के साथ। With the audacity of youth, he wrote a letter of to Freud announcing that he was in Vienna. इसने फ्राइड को एक खत लिखा कि मैं इस वक्त वीना में हूँ, एंड इम्प्लाइंग डेट फ्राइड वुड नॉट डो बी ग्लैड टू मीट हिम, और उसको ये शक था कि फ्राइड जो है वो उससे मिलते खुश, इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि फ्राइड उससे मिलते खुश होगा। टू दिस टू हिज ग्रेट सरप्राइज, ये इसके लिए बहुत हैरान कन था, फ्राइड रिप्लाइड इन हिज ओन हैंड राइटिंग एंड इनवाइटेड, और फ्राइड ने इसी की जबान में इसको लिखा और इसको इन्वाइट किया। आलकोट टू विजिट हिम एट हिज ऑफिस, आलकोट इसके ऑफिस में गया इसे मिलने के लिए। व्हेन आलकोट अराइव्ड, जब आलकोट वहां पहुंचा, फ्राइड अशर्ड हिम टू इनटू हिज फेमस इनर ऑफिस एंड सैट स्टेयरिंग एट हिम एक्सपेक्टेंटली। अब फ्राइड ने क्या कहा कि इसको अपने ऑफिस में ले गया जो बहुत मशहूर था, बहुत मशहूर था, और उसने इसको बिठाया और इसको गौर से देखना शुरू हो गया। नॉट एक्सपेक्टिंग द साइलेंस, उसने
खामोशी की उम्मीद नहीं रखी एंड नॉट नोइंग व्हाट टू से, और ये भी नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। अल्फ्रेड थॉट फास्ट एंड टोल्ड हिम, अल्फ्रेड ने तेजी की और उसे बताया ऑफ एन एपिसोड ऑन एन स्ट्रीट कार ऑन हिज वे टू द ऑफिस, जो उसके साथ हुआ कि स्ट्रीट कार और इसके ऑफिस को आते हुए स्ट्रीट कार में जो उसके साथ हुआ। ही रिपोर्टेड दैट ही हैज सीन अ 4-year-old बॉय, इसने अल्फ्रेड ने कहा कि उसने 4 साल का बच्चा देखा, हु डिस्प्ले अ कॉन्शियस दैट फोबिया, जिसको बहुत ज्यादा गंदगी से खौफ था, वो शो करवा रहा था। द बॉय केप्ट सेइंग टू हिज मदर, पर और वो ये सब कुछ उसने अपनी माँ से दिखाया था, आई डोंट वांट टू सिट देयर, मैं वहां बैठना चाहता था, डोंट लेट दैट डर्टी मैन सिट बिसाइड मी, मैं नहीं चाहता था कि जो वो गंदा शख्स है वो मेरे पास बैठे। सिंस द मदर वाज सो क्रीन, इस तरह Since the mother was so clean, जब तक माँ बहुत ज़्यादा साफ थी and dominant looking, और देखने में थे वो ज़्यादा dominant show हो रहे थे कि यानी कि अगर एक यानी कि एक घर के अंदर अगर माँ जो है वो बहुत ज़्यादा dominant हो और बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखे तो बच्चे के अंदर phobia आ जाता है कि वो कहीं गंदा तो नहीं है। Alport assumed Fred would quickly see the point of the story. ने ये मफूदा काम किया कि फ्राइड बहुत जल्दी जो है नतीजे पर पहुंच जाता है स्टोरी के, डैट द बॉय अबहोरेंस ऑफ डर्ट वाज रिजल्ट ऑफ हिज मदर ऑब्सेशन एंड क्लीननेस, इसने कहा कि जो बच्चा पाकी साफी का ख्याल रख रहा है डेफिनेटली इसकी माँ के अंदर ये ऑब्सेशन पाए जा रहे होंगे कि वो सफाई सुथराई का ख्याल रखे। इंस्टेड बजाय इसके व्हेन ही हैड फिनिश्ड द स्टोरी, जब उसने ये कहानी खत्म की, फ्राइड हेजिटेटेड, फ्राइड थोड़ा सा हिचकिचाया एंड आस्क्ड काइंडली एंड वाज दैट लिटिल बॉय डिड यू, क्या वो जो छोटा लड़का है वो तुम तो नहीं हो, फ्राइड ने इसको कह दिया कि जिसके बारे में तुम ये सारी बातचीत कर रहे हो क्या वो तुम तो नहीं हो। उसके बाद एंड वाज द लिटिल बॉय यू, अल्फ्रेड फ्लैबरगैस्टेड रियलाइज दैट फ्राइड वाज so accustomed to thinking in terms of neurotic defense that Alport manifest motivation had completely escaped him. अब वो कह रहा है कि जो फ्राइड का नजरिया होता है कि ये फौरी तौर पे खुद ब खुद ये सोचना शुरू कर देता है कि कोई बंदा जो है वो न्यूरोटिक डिफेंसिस यूज कर रहा है और वो इसको मुतहरक कर रहा है और इससे निकलना चाहता होता है। Alport reported that the experience taught him that depth psychology often plunge too deeply into the psyche, ke iske andar ne usse ye sikhaya hai ki jo psychology mein hame gehra sochna chahiye and that psychologist might understand, jisse psychologist hoga wo samajh sakta hoga logo ko behtar andaaz mein, if they paid more attention, agar wo zyada tawajjuh de to their manifest, jo usne kahani sunayi hai uske ibtida आज जो मैनिफेस्ट है उसके मतलब अगर वो ज़्यादा तवज्जो देगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेगा। कॉन्शियस मोटिव जो उसके शोरी मुहरक होते हैं बिफोर प्रोबिंग इनटू देयर अनकॉन्शियस नेचर, बजाय जो यानी कि शोर में वो चीज़ें बता रहा है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए तो वो बंदा ज़्यादा अच्छे तरीके से उस बंदे की शख्सियत को समझ लेगा, बजाय इसके कि उसके लास्ट शोर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उसको प्रोब करने की कोशिश की जाए, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए। Alport entered graduate school in psychology. Alport जो था वो psychology के एक graduate school में उसने admission लिया and finished the work for his doctorate in 2 years. और वहाँ उसने 2 साल का PhD की degree को complete किया। He received his PhD in 1922 और 1922 में उसने PhD की degree को हासिल किया। At the age of 24, उस वक्त उनकी उम्र जो थी 24 साल थी, he was interested in developing a psychology of personality. वो पहला बंदा था जिसे चीन में दिलचस्पी जाहिर की कि वो साइकोलॉजी में जो पर्सनैलिटी को डिवेल्प करे, बट प्रैक्टिकली नो वन एल्स इन एकेडमिक लाइफ हैड सिमिलर इंटरेस्ट। अब इसने प्रैक्टिकली उस पर अमल किया, एकेडमिक लाइफ में इनकी तरह का जो दिलचस्पी है वो किसी बंदे ने नहीं रखी। He reported that
His thesis was perhaps the first one devoted to an examination of personality traits. इसका जो थीसिस था वो पहला थीसिस था जिसने पर्सनैलिटी ट्रेट की बात की और वो पर्सनैलिटी ट्रेट से मुतल्लक था. Immediately after receiving the degree, जैसे ही उसे डिग्री मिल गई, Olcott had a shattering experience that he later claimed was a turning point in his life and career. Olcott ने अपने जो एक्सपीरियंस है उनका इजहार करना शुरू किया और जो बाद में जाके उसने क्लेम किया और वो उसकी कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गया और उसकी लाइफ का वो सबसे बड़ा जो था वो टर्निंग इवेंट था, टर्निंग पॉइंट था. ही वाज इनवाइटेड टू अटेंड अ मीटिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एट क्राफ्ट यूनिवर्सिटी टू डिस्कस करंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन सेंसरी साइकोलॉजी. इसको फिर उस वक्त इन्वाइट किया गया एक मीटिंग के अंदर जिसमें बहुत से साइकोलॉजिस्ट थे क्लार्क यूनिवर्सिटी में, जहाँ उन्होंने टॉपिक जो वहाँ का था वो था कि प्रॉब्लम और इश्यूज सेंसरी साइकोलॉजी में जो पेश होते हैं इनसे मुतल्लक इनको मीटिंग में इनवाइट किया गया. आफ्टर टू डे ऑफ सच डिस्कशन, दो दिन की लगातार डिस्कशन के बाद द एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट टीचर allotted 3 minutes to each graduate student to describe his own investigator. तो टीचर जो उस वक्त का यानी कि साइकोलॉजिस्ट था जिसने इसको इनवाइट किया हुआ था उसने इसको 3 मिनट हर ग्रेजुएट स्टूडेंट को 3 मिनट दिए कि वो अपनी जो उन्होंने हकाइक निकाले जो तहकीक की उसे जो हकाइक निकले उनको बयान करें. Olcott reported his work on personality trait. Olcott ने अपना जो काम था वो पर्सनैलिटी ट्रेट के मुतल्लक बताया एंड वाज पनिश्ड बाय टोटल साइलेंस एंड स्टेयर और उसको सजा मिली कि कोई खामोशी के साथ और उसको घूरते रहे. टीचर स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज प्रेजेंटेशन, उसने इसकी जो प्रेजेंटेशन जो इसने पर्सनैलिटी ट्रेट के मुतल्लक दी थी उसको मानने से इनकार कर दिया यानी कि कहा कि ये ठीक नहीं है एंड डिमांडेड ऑफ और उसने ये डिमांड की and demanded of Olcott major professor for a major professor ke usse demand ki why did you let him work on that problem, tum is problem pe kaam kyun chhod rahe ho. Olcott was mortified but later when they had returned to Harvard, jab wo dobara Harvard university aa gaya his professor consoled him by saying to iske professor ne dobara se iska dhyan banaya ye kehte hue you don't care what the teacher think, आप ये मत सोचो कि टीचर क्या सोच रहा है. एंड Olcott फाउंड दैट इन फैक्ट ही डिड नॉट, और Olcott ने पाया कि हकीकत में वो नहीं जानता. द एक्सपीरियंस टॉट हिम, जो तजर्बा उसने सीखा है, एंड अदर लेसन, एक दूसरा सबक, नॉट टू बी अननेसेसरी बोथर्ड, तो उसको भूला नहीं जा सकता, बाय द बुक्स और प्रोफेशनल स्लाइड्स एंड टू परसू हिज ओन इंटरेस्ट, और उसने वो सारे प्रोफेशनल स्लाइड थे और जो उसने अपनी ही दिलचस्पी को आगे कंटिन्यू किया. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, इस नुक्ते पर आके Olcott रिमेड अ मार्वरिक इन साइकोलॉजी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इसको कदर की निगाह मिलना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अहमियत देना शुरू कर दी. अ पर्सन हु थॉट डीपली एंड ओरिजिनली अबाउट इशू, वो वाला बंदा जो गहरा सोचता है और किसी मसले के बारे में हकीकी होकर सोचता है, एंड हु स्टेटेड हिज व्यू कैंडिडली नो मैटर हो कंट्रोवर्शियल दे वर इन द आइज ऑफ अदर, तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि वे दूसरों की आंखों में कितना कंट्रोवर्शियल है, कितना ज्यादा गलत है. आप सिर्फ अपना देखो कि आपने जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो वो ठीक सोच रहे हो. अगर तो आप ठीक सोच रहे हो तो आप उस पर काम करो. जैसे कि टीचर ने इसको डिसप्रूव किया था तो इसके दिल में ये सारी चीज़ें थी, तो बाद में इसके दूसरे प्रोफेसर ने आके कहा कि ये ना सोचो कि टीचर ने क्या कहा बल्कि तुम अपने काम को कंटिन्यू रखो. तो उसकी बेस पे ही इसने ये वाली बात की कि लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने देना चाहिए, बल्कि जो आप बेहतर समझ रहे हैं आप उसके बारे में डीपली सोचो और उस इशू पे फोकस करो. उसके बाद आ जाता है except for a brief stint at Dartmouth, Olcott spent most of his professional life at Harvard. इस
उसने बहुत ज्यादा अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ का जो दुरानिया था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गुजारा। इस पीरियड के अंदर फ्रॉम 1930 टू हिज डेथ 1930 से लेके इसकी मौत के पीरियड तक यानी कि 1967 तक ही रोट मेनी स्कॉलरली थ्योरेटिकल एंड रिसर्च आर्टिकल। इसने बहुत से रिसर्च आर्टिकल लिखे और बहुत सी थ्योरीज जो थी वो थी ऑन द टॉपिक्स दैट इंक्लूड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस पे इसने बात की, एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स पे बात की, रूमर पे बात की, एटीट्यूड पे बात की और वैल्यूज पे बात की। ही आल्सो पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ बुक्स। इसने बहुत सी किताबें भी लिखी इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी जिनमें से एक है अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 में इसने लिखी, द इंडिविजुअल एंड हिज रिलीजन ये उसने लिखी, अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1950 में लिखी, बिकमिंग बेसिक कंसीडरेशन फॉर अ साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी 1955 में लिखी, द नेचर ऑफ प्रेजुडिस 1958 में लिखी एंड पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी 1961 में लिखी। फिटिंगली हिज वर्क वाज रिकॉग्नाइज बाय हिज कोलीग। इसका जो काम था इसके साथियों ने उसको सराहा कि इसने जो काम किया है वो जबरदस्त किया है। एंड ही वाज अवार्डेड मैनी ऑनर और इसको बहुत से इनाम से नवाजा गया। ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इन 1939 और 1939 में वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का सदर मुंतखब हो गए एंड रिसीव द डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड इन 1964 और ये अवार्ड भी इन्हें मिला 1964 में। ही सेड थॉट दैट ही वैल्यूड वन ऑनर अबव ऑल अदर। तो जितने भी इसको ऑनर मिले ये उनमें सबसे ज्यादा अहमियत का इसके लिए था। एट द 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी इन वाशिंगटन डीसी इन 1963 55 ऑफ हिज फॉर्मर पीएचडी स्टूडेंट्स presented him with two handsomely bounded volumes of their own writing with the dedicatory inscription. अब जो उसके जो two volumes थे जो भी उसने लिखा हुआ था Alcott ने उसके स्टूडेंटों ने जो पछुआ उसके स्टूडेंट थे पी एच डी के उन्होंने उसको डेडिकेट किया from his student in appreciation of his respect for their individuality. अब उनके स्टूडेंट की तरफ से जो इनको राज्य तहसीन पेश किया गया या इज्जत दी गई इनफरादी तौर पर वो काबिल तहसीन। समझ आ गई है आप लोग जी सर। इसको अब आप लोगों को जरा पढ़ें और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। इसको पढ़ना शुरू करें। अब नेक्स्ट वीक से कि इनकी फर्स्ट ग्रुप कौन है, किसकी प्रेजेंटेशन है दीसरा क्या नेक्स्ट जो बी के उधर फर्स्ट प्रेजेंटेशन किंग की है सर। प्रेजेंटेशन किंग की है। हाँ जी सर। अब्बास के ग्रुप की है। टॉपिक कौन सा है सर? उनका सिगमंड फ्रॉइड। चलो ठीक है अब इसको आप लोग पढ़ो शाबाश फिर इसको फर्दर हम देखते हैं। जी सर मैंने कहा आप लोग पढ़ो इसको। जी सर शुरू से कर दूं कि आप लोगों के पास अपने नोट्स हैं? नोट्स हैं आप लोगों के पास सर? कौन से? ये वाले जो फर्स्ट आपने ये जो मैं पढ़ा ये वाले तो सर वो है। नहीं सर ये तो बुक से देखना पड़ेगा वो जो आपने बुक सेंड की थी। चले मैं इसका स्टार्ट वाला पेज निकाल देता हूँ इसको पढ़ना शुरू करें और इसी तरह पढ़ के देख लें।
जब पढ़ लें इस पेज को तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम फर्दर नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएं। इसके अलावा ना इस बंदे की जो थ्योरी थी ना, ये बेसिकली ट्रेड्स के मुतालिक है, ठीक है, जो शख्सियत में कुछ खास ट्रेड्स पाई जाती हैं उनको इसने डिफाइन किया था, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप लोग इसका जो इंट्रोडक्शन एक मरतबा पढ़ लें ताकि इसका बायोग्राफी का स्केच जो है वो कम्प्लीट हो। सर पढ़ लिया ये वाला पेज? पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज चले। जब पढ़ लो ये वाला पेज तो वो बता दीजिएगा, फिर आगे हम कर। सर पढ़ लिया ये। अच्छा।